हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपको मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। इसका नाम है लाल किला, द रेड फोर्ट। गाइस चलो पहले हम इसका इतिहास बताते हैं। गाइस ये बहुत ही ऊंची इमारत है और लगभग 1638 में शाहजहां ने इसकी नींव रखी थी और वो आगरा से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे। फिर गाइस इसको 1648 में इसका उद्घाटन हुआ और गाइस तब से यह दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। आइए आपको छोटा सा एक टूर कराते हैं दिल्ली के लाल किला के अंदर। दीवाने आम, ये गाइस सिर्फ लोगों के फरियाद के लिए ये सभा होती थी। राजा और पब्लिक की जो फरियादें होती थी ये सब दीवाने आम में होती थी। गाइस एक चीज़ आपको बता दें, ये जो खंभे लगे हैं इसकी एक अद्भुत ही रहस्यमयी कथा है कि जब राजा अपने सिंहासन में बैठते थे तब आम लोग जब सलाम करते थे राजा को तो उन्हें बिना इस खंभों की दिक्कत के हुए उन्हें सामने दिखता था और वह लेफ्ट और राइट सामने से वो देख पाते थे कि कौन व्यक्ति मुझे सलाम करके गया है या नहीं। तो इन विशेषताओं की वजह से यह दीवानेआम इतना अद्भुत है। और ये देखिए गाइस, ये ठीक सामने ये म्यूज़ियम है। एक म्यूज़ियम जलियांवाला बाग की थीम पर आधारित है और एक म्यूज़ियम है वह शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, और तथा एक म्यूज़ियम हमारे भीमराव अंबेडकर जी पे आधारित है। और गाइस आपको इसके ठीक सामने भी दीवाने खास मिलेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं ये गुफा बंद कर दी गई है। और गाइस इसके दाईं तरफ देखिए ये विशालकाय महल दीवाने खास है जो सिर्फ मिनिस्ट्रियों के लिए होती थी। जो बड़े बड़े मंत्री होते थे वो यहीं पे राजा के साथ अपनी सभाएं करते थे। और गाइस यह दूर से भी बहुत ही चमकदार और अद्भुत दिखता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।